एक गोल ब्लडर में पत्थर था, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इनसे ऑपरेशन कराया गया है। बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, बहुत ही व्यवहारिक है, अच्छा रिकवरी बुझा रहा है। मेथेस्टोन था ही, और उसका पित्त का नली में बीमारी एक होता है कोलिडोकल सिस्ट, इसका ओपन सर्जरी किया गया। खाली अगर पित्त के थैली के स्टोन का ऑपरेशन होता तो लेप्रोस्कोपी से ही होता, लेकिन उसके अलावे इसको जो मेन बीमारी वो था कोलिडोकल सिस्ट, जिसको कंप्लीट हम लोग एक्साइज करते हैं। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 1.5-2 घंटा का ओपन में सर्जरी होता है। मरीज ठीक ठाक है, बढ़िया रिकवर कर रहे हैं। घर देहात में झोला छाप डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पर सही इलाज कराइए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज हम आपको बताते हैं कि जब किसी मरीज के पेट में गॉल ब्लडर स्टोन हो जाए तो उसकी स्थिति में मरीज की हालत काफ़ी चिंताजनक हो जाती है। ऐसा ही एक बसैठा का मरीज एक निजी नर्सिंग होम में इलाज करा रहा था। उसको कई महीने से पेट में दर्द था और बुखार आ रहा था। गंभीर होने पर परिजनों ने श्यामा सर्जिकल के डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा से संपर्क किया और उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही मरीज स्वस्थ होने लगा। उसके पेट से 10 से 12 पत्थर भी निकले, क्योंकि नली में भी एक पत्थर था, जिससे मरीज काफ़ी गंभीर स्थिति में श्यामा सर्जिकल पहुंचा था। वहीं स्वस्थ होने के बाद परिजनों ने डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा को धन्यवाद दिया। देखें एक खास रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। क्या समस्या है आपको? स्टोन हो गया था गॉल ब्लडर में, अभी ठीक है, ऑपरेशन करवाए। एक गॉल ब्लडर में पत्थर था, वो पत्थर था ये नहीं समझ पा रहे थे, डॉक्टर यूके विश्वास से दिखलाए। कौन सी जगह? यही इनकम टैक्स चौराहा के बगल में यूके विश्वास। सब जांच कराया, अल्ट्रासाउंड पाया गया, एक बार में तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरा बार अल्ट्रासाउंड हुआ तो फाइंडिंग आ गया। तब हम लोग इनसे डॉक्टर साहब से, विजेंद्र बाबू से कंसल्ट किए कि कहीं जो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो इनसे ऑपरेशन कराया गया है। बहुत ही अच्छा डॉक्टर हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं, पेशेंट अच्छा रिकवरी बुझा रहा है। ये लगभग 1.5 महीना से इनको बुखार ही सब आता था, पेट में दर्द होता था, तो गाँव बेनीपट्टी में दिखाया गया तो पैसा भी कुछ लग गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दरभंगा लाया गया इनको, यूके विश्वास से दिखाया गया, यूके विश्वास 15 दिन का दवा दिए, 15 दिन के बाद फिर बुलाए, तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाए, तब पत्थर का आया फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड में। वो तो फाइंडिंग आया एक पत्थर का, लेकिन इनके गोल बोल्डर में 8-10 पत्थर था। तब इनसे विजेंद्र बाबू से, डॉक्टर साहब जो हैं इनसे कंसल्ट किए, तब ये ऑपरेशन के लिए सलाह दिए। 23 तारीख को हम लोग यहाँ, 22 तारीख को भर्ती हुए, 23 को ऑपरेशन हुआ। बहुत बढ़िया से ऑपरेशन हो गया, बहुत डॉक्टर साहब व्यवहार कुशल आदमी हैं, बहुत अच्छा से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम सीधे कहेंगे डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा के पास दरभंगा चले जाइए। हमको कोई भी पूछेगा यहाँ से लेके पटना तक, तो हम कहेंगे आप दरभंगा में जाइए। ये लेप्रोस्कोपी के हैं स्पेशलिस्ट ही। तो हमारे मरीज को गोल ब्लडर के बाद भी 2-4 पत्थर एक नली में चला गया था, तो उस नली को भी काट करके निकाला गया है, पेट खोल करके ऑपरेशन हुआ है। तो रिकवरी अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं, बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। श्यामा सर्जिकल, इनकम टैक्स चौराहा और कौन जीबी रोड है, ये रोड इनकम टैक्स चौराहा के पास ही है, दरभंगा। मेरा नाम रोहित चौधरी हुआ, बसैठा से आए, बसैठ चांदपुरा एक गांव है,
बेनीपट्टी थाना में, बेनीपट्टी ब्लॉक है मेरा, अनुमंडल है, उसी में बसेठ चांदपुरा एक गांव है, वहीं के हम रहने वाले हैं। हाँ, वो प्रीति कुमारी मरीज है, उसको पित्त के थैली में तो स्टोन था ही, और उसका पित्त का नली में बीमारी एक होता है कोलिडोकल सिस्ट, पित्त के नली में ये बीमारी होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होता है, रेयर केस है, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ साथ साथ। उसका तो हम लोग ओपन सर्जरी ही करते हैं, उसमें एक तो पित्त का थैली को काट के हटाते हैं, दूसरा कोलिडोकल सिस्ट जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, तो उस सिस्ट को हटाना होता है, तो वो सिस्ट चूँकि नली में होता है इसलिए पित्त के नली को भी काटना होता है, और फिर नली को जो बाकी बचा नली उसको आँत से फिर जोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही लंबा ऑपरेशन है, जो कि यहाँ दरभंगा में बहुत कम किया जाता है, कोई करता है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन हम बहुत दिनों से ये सब भी सर्जरी करते आ रहे हैं, वही किया गया है। लेप्रोस्कोपी से पित्त के नली को काटना और फिर पित्त के नली को आँत से जोड़ना संभव नहीं है, इसीलिए इसका ओपन सर्जरी किया गया। खाली अगर पित्त के थैली के स्टोन का ऑपरेशन होता तो लेप्रोस्कोपी से ही होता, लेकिन उसके अलावे इसको जो मेन बीमारी वो था कोलेडोकल सिस्ट, जिसको कंप्लीट हम लोग एक्साइज करते हैं और तब जो पित्त की नली बचती है या तो उसमें या नहीं तो सीधे लीवर से आँत को जोड़ते हैं, जो पित्त आँत में आए उसको हम लोग कहते हैं हिपैटिको जेजिनोस्टोमी। तो इस ऑपरेशन का पूरा नाम हुआ कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेडोकोसिस्टेक्टोमी विथ हिपैटिको जेजिनोस्टोमी। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, डेढ़ दो अढ़ाई घंटा का ओपन में सर्जरी होता है, मरीज ठीक ठाक है, बढ़िया रिकवर कर रही है। संदेश तो मेरा यही रहेगा कि लोग गांव घर देहात में झोला छाप डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह का बीमारी आपको है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपना प्रॉपर इलाज कराइए, ऐसा ना हो कि बौआते रह जाइए उसी में मरीज गड़बड़ा जाता है, इसलिए सही जगह पर सही इलाज कराइए।